हरे कृष्णा राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 27 सितंबर 2020 को पद्मिनी एकादशी है। ये एकादशी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है और ये पद्मिनी एकादशी इसी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आता है। इसलिए आज हम कथा श्रवण करेंगे पद्मिनी एकादशी की। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने बहुत धर्म और पूर्ण व्रत कथा श्रवण किया है, पर ये सर्व पाप विनाशिनी और पुण्यदायिनी शुक्ल पक्ष या पद्मिनी एकादशी जो कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आता है, कृपया आप मुझे इस पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो व्रत है पद्मिनी एकादशी का, इसका एकादशी के एक दिन पहले ही यानी दशमी के दिन से ही ये जो व्रत है ये पालन करना शुरू कर देना चाहिए। किसी भी धातु के पात्र में भोजन करना, उड़द दाल, छोले, पालक, शहद और समुद्र नमक, और किसी के घर में जाके भोजन करना, ये सब 8 चीजों से बच के रहना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके भगवान का दीप धूप और चंदन आदि से पूजा करना चाहिए और पूरे दिन भगवान का गुण महिमा का कीर्तन करना चाहिए। एक दिन पुलस्त्य मुनि देवर्षि नारद को इस पद्मिनी एकादशी के इतिहास की वर्णन करते हैं। पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि एक बार राजा कार्तवीर्य ने रावण को पराजित कर उनको अपने कारागार में बंदी बना लिया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने रावण की मुक्ति के लिए जाके राजा कार्तवीर्य से प्रार्थना किया था। उसके बाद राजा ने रावण को मुक्त कर दिया था। इसे सुनने के बाद नारद मुनि पुलस्त्य मुनि से पूछते हैं कि जहाँ इंद्र सहित समस्त देवताएं रावण से पराजित हो गए, तो कैसे राजा कार्तवीर्य ने रावण को पराजित कर दिया। पुलस्त्य मुनि नारद मुनि से कहते हैं कि एक बार महिष्मतिपुर में एक राजा थे, उनका नाम था कृतवीर्य। उनके 1000 पत्नियां थी, फिर भी उनको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने देवताओं की भी पूजा किया था, फिर भी उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। फिर एक दिन राजा कृतवीर्य ने स्थिर किया कि उनका राज्य का भार वो अपने मंत्री को अर्पण करके तपस्या करने के लिए जाएंगे। तो 1000 पत्नियों में से एक पत्नी जिनका नाम था पद्मिनी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और बहुत ही ज्यादा पतिव्रता थी, तो उन्होंने स्थिर किया कि वो भी अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए जाएंगे। उसके बाद राजा कृतवीर्य और उनकी रानी पद्मिनी दोनों मंदार पर्वत में तपस्या करने के लिए गए, फिर भी उनको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे तपस्या करते करते 10,000 साल बीत गए। एक दिन रानी पद्मिनी ने महासाध्वी अनसुआ से प्रार्थना किया, उनसे पूछा कि मेरे पति ने 10,000 साल तक तपस्या किया फिर भी वो विफल हो गए, तो आप ऐसा कोई व्रत हमें बताइए जिसका पालन करने से भगवान हम पे संतुष्ट होंगे। उसके बाद अनसुआ रानी पद्मिनी से कहते हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है। इस महीने में 2 एकादशी आता है, पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। इस एकादशी का पालन करने से पुत्रदाता भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा संतुष्ट होते हैं। अनसुआ के निर्देश के अनुसार रानी पद्मिनी पद्मिनी एकादशी व्रत का सही तरीके से पूर्ण भाव के साथ भक्ति भाव के साथ पालन करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनपे बहुत संतुष्ट होते हैं और गरुड़ वाहन में आरोहण करके वो पद्मिनी के सामने आके उपस्थित होते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रानी पद्मिनी से कहते हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। अधिक मास में जो एकादशी आता है वो भी मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है और तुमने इस एकादशी का यथा तथा रूप से पालन किया, इसलिए तुम अपने इच्छा के अनुसार मेरे से वरदान मांगो। रानी पद्मिनी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप राजा को वरदान प्रदान कीजिए, राजा कृतवीर्य को, मतलब रानी पद्मिनी के पति को, उनके स्वामी को। तो राजा कृतवीर्य भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य, कोई भी मनुष्य, देवता, नाग, पिशाच, दैत्य, राक्षस आदि
जिनको पराजित ना कर सके, ऐसे पुत्र का मैं वरदान मांगता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण राजा कृतवीर्य को ये वरदान प्रदान करते हैं। फिर राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी अपने राज्य में लौट के आते हैं। यथा समय में रानी पद्मिनी के गर्भ से एक महाबलशाली पुत्र का जन्म होता है। राजा कृतवीर्य इस पुत्र का नाम रखते हैं राजा कार्तवीर्य। तो वो त्रिलोक में उनके समान शक्तिशाली कोई भी नहीं था, इसलिए दशानन रावण भी उनसे पराजित हो गए थे। जो इस एकादशी का व्रत कथा श्रवण करता है उसको भगवान श्री हरि का पाद पद्म लाभ होता है, अंत में गोलोक में वास मिलता है, और उसको ये कथा मात्र श्रवण करने से उसको बहुत पुण्य लाभ होता है। तो यही थी कथा पवित्र पद्मिनी एकादशी, जो कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल है इस महीने में आता है। इस एकादशी का आप लोग बहुत ही अच्छे से पालन कीजिए, और इस एकादशी का जो व्रत कथा है ये आप भी श्रवण कीजिए और साथ ही साथ सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि व्रत कथा मात्र श्रवण करने से बहुत पुण्य लाभ होता है, ताकि सब लोग पुण्य प्राप्त कर सके और सब लोग समझ सके कि इस एकादशी का महात्म्य क्या है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और भी स्पिरिचुअल वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।